विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं। कोरोना को लेकर देश के पीएम ने जनता कर्फ्यू की घोषणा की है, जिसके तहत सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक लोगों को अपने घर में रहने की अपील की गई है। घोषणा के बाद बीजेपी समर्थक इसको सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। वहीं विपक्षी दल कर्फ्यू जैसे शब्द पर आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि देश में अभी एक तरह से अघोषित कर्फ्यू जारी है, ऐसे में जनता के बीच डर का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं उल्टे बीजेपी विधायक सभी उद्घाटन कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए प्रधानमंत्री जी जब कह रहे हैं तो बड़ी बात है। हम उनके मन की बात का कार्यक्रम कल का हम नहीं देख पाए थे, नहीं सुन पाए थे। आज हम धमधा तरफ गए हुए थे कुछ काम से, तो वहाँ पता चला कि लोगों में गरीब गुरबा लोग जो है उनमें एक गजब सा माहौल हम देखे। हमको पूरा डिटेल भी पता नहीं था, समझ में भी नहीं आ रहा था कि लोग बोल रहा था कि 22 तारीख को कर्फ्यू है, घर से नहीं निकलना है, गोली मार दिया जाएगा, इस तरह का बात तो हम पूछे भी तो बता नहीं पाया लोग। और आपके पास जब अभी मिले हैं तब हमको समझ में आया कि अच्छा इसलिए लोग डरा हुआ है। तो हमको लगता है कि जो बिहार खास करके कम पढ़ा लिखा प्रदेश है, गरीबों का संख्या ज़्यादा है और इतना माध्यम नहीं है कि प्रधानमंत्री का जो है बात हर आदमी बढ़िया से समझ पाए, तो वो कई लोग यह समझ बैठे हैं कि यह कर्फ्यू 22 तारीख को लगा है और इस कर्फ्यू में अगर घर से निकलेंगे तो गोली भी मारा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा शब्द नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री बोले हैं तो हम उस पर ज़्यादा कटाक्ष भी नहीं करना चाहते और सही बोले होंगे। ये कर्फ्यू कोरोना को लेकर बोले हैं, क्या लोगों में जागरूकता है कि ये कर्फ्यू कोरोना को लेकर है या क्या? देखिए प्रधानमंत्री जो बोले हैं तो हम उस पर नहीं कुछ कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि हम लोग जागरूकता नहीं के हम बता रहे हैं कि पूर्णिया शहर जिला है, शहर है, बड़ा शहर है और यहाँ कोरोना का जाँच करने का मतलब कि कोरोना है या नहीं है ये सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। शायद हमको पूरा पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम विस्तार से ये किए शायद बिहार में भी पूरे बिहार में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है कि कोरोना का जांच यहाँ हो सके, उसके लिए कहीं और सैंपल भेजा जाता है या जो भी हो। तो देश के प्रधानमंत्री बिहार के सरकार हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए हर जगह पर कि इसका जाँच जो है तुरंत हो पाए, आइडेंटिफाई हो पाए, तो लोग जो है एक प्रिकॉशन के तौर पे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इलाज का सुविधा तो शायद नहीं है, लेकिन जांच हो जाने के बाद तुरंत जांच हो जाएगा तो ये चीज़ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये हमको लगता है कि सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए और केवल डर का माहौल बनाने से शायद ये ठीक नहीं हमको लग रहा। फिर भी प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है। जनता कर्फ्यू को लेकर क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहले लोगों का अवेयर करना चाहिए क्या? देखिए हम बताना आपको चाहते हैं कि अभी हम फेसबुक में जस्ट देख रहे थे, स्थानीय हमारे विधायक हैं विजय खेमका जी बीजेपी के, और वो उद्घाटन कर रहे हैं और कई लोग भीड़ हैं और उसमें फिर वो भाषण भी दे रहे हैं कि अप्रत्याशित ये पार्टी का निर्णय है, सरकार का निर्णय है कि ये 22 तारीख को नहीं निकलना है, इससे कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से राजनीतिक इसमें लाया जा रहा है जो उचित नहीं है। जनता बहुत डरा हुआ और उसको डराने का प्रयास न करना चाहिए। आपका क्या कहना है कि एक तरफ विधायक जी कार्यक्रम भी करें, शिलान्यास भी करें, दूसरी तरफ कोरोना से लोगों को डराएं? बिल्कुल 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 ये हो रहा है और हम चाहते हैं कि कोरोना के मामले में भयानक एक चैलेंज है
हम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, कि इसमें कम से कम राजनीति और डर का माहौल नहीं बनाया जाए और लोगों को जो है, हाँ, लोगों को इनकरेज किया जाए इससे कैसे लड़ा जाए। तो हमारा नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का भी निर्देश आया सभी कार्यक्रम को रद्द करने का, तो आज से पार्टी का सभी कार्यक्रम रद्द हो गया है। और साथ साथ निर्देश आया कि लोगों में कैसे ये बात बताएं कि कोरोना से कैसे बचा जाए। तो ये एक बात है इसको, और हम आप मीडिया के साथी हैं, हम आपसे भी अपील करना चाहते हैं, चूँकि प्रधानमंत्री का कहा गया, प्रधानमंत्री द्वारा एक कार्यक्रम का घोषणा हुआ है कि जनता कर्फ्यू, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी जितने मीडिया के साथी हैं इसको खबर ना बनाएं, सब अपने अपने घर में रहें तो शायद अच्छा होगा, प्रधानमंत्री का जो बात है जो वो अच्छा से साकार हो पाएगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह अपनी दृष्टि को रखे हुए हैं और उनकी दृष्टि का यह परिणाम है कि आज से 5 साल पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हम स्वच्छता अभियान चलाएं, स्वच्छ भारत होगा तो स्वस्थ भारत होगा। आज 5 वर्षों के बाद उनकी इस बात की महत्ता लोगों को समझ में आ रही है, और आज फिर उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर लोगों को जागरूक करने का काम किया है और उनसे कहा है कि 22 तारीख रविवार के दिन आप लोग अपने अपने घरों में रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और एक तरह से आप जनता कर्फ्यू लगाने का काम करें। इससे बहुत कुछ समाज में जागरूकता फैलेगी, भीड़ भाड़ के इलाकों से दूर रहें, ये संदेश को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं तो यह अवश्य है कि इसके पीछे निश्चय ही कोई गहरी बात छिपी है। दिलीप कुमार दीपक, भाजपा प्रवक्ता, जिला पूर्णिया। जी बताएं, ये जो जनता कर्फ्यू जो लगने जा रहा है इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जनता कर्फ्यू जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कल वक्तव्य आया है कि 22 तारीख को जो है जनता कर्फ्यू लगेगा, लोग जो है अपने घरों से 5 बजे से लेकर 9 बजे रात्रि तक ना निकले, तो ठीक है। आखिर कर्फ्यू की आवश्यकता क्यों पड़ गई देश के अंदर भाई, क्यों करें? आखिर क्या मैसेज आपको देश में आया है? क्या वैज्ञानिकों ने आपको कुछ बात बताई है जो आपको जनता को शेयर करना चाहिए था उन बातों को? और हमारे माननीय जो नेता हम लोगों के हैं लोकसभा में, माननीय राहुल गांधी जी ने, उन्होंने पहले ही लोकसभा में इस बात को उठाने का काम किया था कि जो अभी कोरोना वायरस का है इसमें सरकार गंभीर नहीं है और इसको अगर सरकार गंभीरतापूर्वक नहीं लेती है तो ये भयावह स्थिति हो जाएगी। तो आपके तरफ से क्या ये हवा क्रिएट किया जा रहा है? ये हवा क्रिएट और लोगों को डराने का काम कर रही है सरकार। ऐसे भी अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर था, अब तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी इमरजेंसी को साबित कर दिया। तो एक भय का माहौल, आतंक का माहौल जो आज लोगों के बीच में बन गया है, उस दिशा में जो मेडिकल टीम को, स्वास्थ्य विभाग को जो करना चाहिए था वो स्वास्थ्य विभाग करने में असफल साबित हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटलों में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आम जगहों पर जहाँ पब्लिक का ज़्यादा गैदरिंग रहता है, आप देखें माननीय न्यायालय के अंदर कुछ व्यवस्था नहीं है, ये समरणालय के अंदर मेडिकल टीम अगर बैठ जाती तो लोगों का जांच पड़ताल करती, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर सिर्फ अखबार में बयान देना और जनता के बीच में जाके बयान देना, तो ये क्या दर्शाता है कि आप जनता के प्रति जो है गंभीर नहीं है और जागरूक नहीं है। केवल बयानबाजी से जो है ये देश नहीं चलता है। तो क्या फायदा कुछ होने वाला तो कोरोना वायरस से जो जो आवश्यकता है लड़ने की, हमको लगता है उसमें अभी बहुत कमी है, सरकार को और मजबूती से कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरा नाम गौतम वर्मा हुआ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस।